तो वेलकम बैक गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म एकेडमी पर कैसे हैं आप लोग जी हाँ बहुत बढ़िया शाबाश यहाँ पर ये एक मिनट यहाँ पर एक नंबर बहुत बढ़िया हम खेल रहे हैं यहाँ पर भाई देखो ऐसा है कि आज एमपीपीएससी प्री की जो नाइन्थ यूनिट है उसका बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार एक सेशन जो है वो चालू हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेट जी हाँ क्या है बेटा इंटरनेट और इंटरनेट का जो सेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं जो आप देख रहे हैं ये इंटरनेट का ही पोर्शन है ठीक है तो, तो, तो मैं ऐसा बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें लोगों तक पहुँचाएँ और बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा मिलेगा तो ठीक है बने रहे हमारे साथ इंटरनेट पर हम बात करने वाले हैं तो इंटरनेट की बात करेंगे तो इंटरनेट क्या है और इंटरनेट के कौन कौन से घटक हैं कैसे इंटरनेट बनता है इस पर हम बात करेंगे जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं प्लीज वीडियो को शेयर करें और हाँ आज हमारी एक स्पेशल क्लास है स्पेशल क्लास में यूनिट नाइन के हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं और उनके आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन आपको की फ्री क्लास पर मिलेंगे ठीक है तो इंटरनेट पर हम बात करने वाले हैं तो इंटरनेट क्या है और इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट इंटरनेट सूचना तकनीकी जी हाँ इंटरनेट सूचना तकनीकी की आधुनिक प्रणाली है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आधुनिक प्रणाली है इंटरनेट को विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क का एक विश्व स्तरीय समूह या नेटवर्क कहा जाता है क्या कहा जाता है इंटरनेट को विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क का एक विश्व स्तरीय समूह या नेटवर्क कहा जाता है अब देखो इंटरनेट की शुरुआत करते हैं इंटरनेट अगर आपको पढ़ना है इंटरनेट आपको बनाना है तो इंटरनेट में कुछ होंगे आपके कंप्यूटर्स ठीक है हमने वर्ड तो देख लिया इंटरनेट लेकिन इंटरनेट एक्चुअल में है क्या तो पहले तो हम बात करेंगे छोटे लेवल से सबसे पहले यूनिट इकाई क्या है तो यूनिट इकाई है आपका पीसी, यानी कि एक कंप्यूटर ऐसे ही बहुत सारी यूनिट इकाई है अगर हम यूनिट इकाई को इनको यूनिट्स को मिला दें तो सबसे छोटा अगर कोई नेटवर्क बनता है तो उसे बोलते हैं लेन लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क एक लेन की अगर बात करें तो इस लैन के लिए आप किसी ऑफिस में किसी घर पे किसी सिस्टम छोटे जगह पर आप जो लेन है ये लेन क्या कर सकते हैं कन्फिगर कर सकते हैं बना सकते हैं लेन को अगर दो से ज्यादा अधिक लेन जोड़ दें तो एक शहर में या एक सिटी की बात करें तो वहां पर होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे बोलते हैं मैन तो एक शहर में ये कुछ किलोमीटर्स की बात करते हैं और ये कुछ मीटर्स की बात होती है कुछ मीटर्स में लेन बनता है कुछ किलोमीटर में मेन मेन बनता है लेकिन एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका कोई और छोर ना हो जिसकी कोई लंबाई ना हो अगर इन सबको मिला दें और दूर से कई शहरों में कई कंट्रीज में कई देशों में आपस में कनेक्टिविटी को क्या कहेंगे हम वाइड एरिया नेटवर्क जिसमें लगभग लगभग पूरे विश्व के कंप्यूटर आ जाते हैं और इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा इंटरनेट बोलते हैं और इसी इंटरनेट पर हम पढ़ने वाले हैं ठीक है सो वीडियो को फटाफट फटाफट शेयर कीजिएगा जी हाँ मैं भी कर दूं फिर अपन क्लास को शुरू करेंगे ठीक है आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए मैं भी कर रहा हूं फिर क्लास को शुरू करेंगे इंटरनेट हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं इंटरनेट हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं आज पार्ट वन है मैंने कर दिया शेयर और हां डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दी हुई है जो स्पेशल क्लास की है उस स्पेशल क्लास को हम पढ़ने वाले हैं उस स्पेशल क्लास में हम एमसीक्यूस करने वाले हैं ठीक है थिके? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंटरनेट सूचना तकनीकी का या सूचना प्रसारण का माध्यम है इसमें बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट की दुनिया बहुत ही बड़े नेटवर्क का एक जाल है जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका कोई और छोर नहीं होता है यहाँ पर यहाँ पर सभी नेटवर्क एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं यहां पर सभी नेटवर्क एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं मैं भी शेयर कर रहा हूँ आप भी कर दो तो, क्लास को शुरू करते हैं बहुत बढ़िया जी हाँ चलिए रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वार हो रहा था तो इस युद्ध की वजह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अमेरिका ने सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ना चाहा और तभी से इंटरनेट की अरपा नेट बना था उस समय बिल्कुल सही है 1960 की बात कर रहे हैं अतुल जी हैंट बना था तो ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसी प्रकार की जानकारी संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए तब तक मैं आपको बता दू दोस्तों की पूरे जी हाँ डमी पर भी अगर अनडमी से आप क्लासेस ले पा रहे हैं तो यह भी इंटरनेट का ही कमाल है और यह मेरा प्रोफाइल है जी हां। इस प्रोफाइल की हम बात कर रहे हैं जी हां। ये मेरा प्रोफाइल प्रोफाइल है इस में आप देख सकते हैं चौदह साल का एक्सपीरियंस है पांच पेपर है प्लस वेरीफाइड एजुकेटर है दो बार मेन्स का अनुभव साथ ही साथ आप देखेंगे फ्री और प्लस में कुछ डिफरेंस होता है फ्री में बहुत सारे लिमिटेशन होता है लेकिन कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट पीडीएफ नोट डाउट सेशन सब कुछ मिलता है पेड क्लास का

ठीक है इंटरनेट का जो प्रयोग है इंटरनेट का प्रयोग अमेरिका की सेना के लिए किया गया था उन्नीस में ठीक है उन्नीस तक इसमें जुड़ने वाले कंप्यूटर की संख्या सैंतीस हो गई थी और उन्नीस तक इसकी विस्तार इंग्लैंड और नॉर्वे तक हो चुका था क्या बात कर दी साहब अमेरिका से हुई शुरू चीज धीरे धीरे फैल गई पूरे विश्व में और अर्पानेट पहला कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट की शुरुआत कहा जाता है लिख लीजिए काम आ जाएगा जय हिंद नमस्कार दोस्तों एक बार फटाफट फटाफट वीडियो को अपने स्टेटस पे लगा लो जरा क्लासेस शुरू हो चुकी हैं वापस से जी हाँ शुरू हो गई है वापिस से क्लासेस शाम को सात बजे इसलिए अब आप लोग को ड्रो जाना है ठीक है इंटरनेट जब शुरू हुआ अर्पानेट के माध्यम से अब नाइनटीन क्या बेटा 1974 1974 में हम कुछ बातें करेंगे 1974 में को सामान्य लोगों को प्रयोग में लाया गया जिसे टेलनेट के नाम से जाना जाता है उन्नीस बयासी में नेटवर्क के लिए सामान्य नियम बनाए गए जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है और इन प्रोटोकॉल को टीसीपी आईपी अब देखो टीसीपी आईपी और ओएसआई लेयर्स होती हैं लेकिन प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी होता है टीसीपी प्रोटोकॉल भी, भी होता है और आईपी भी होता है बट जो जो इंटरनेट पर टोटल कंप्लीट मिला के क्योंकि टीसीपी होता है है ये वर्क करता कंप्यूटर इंड पे और आईपी करता है आपका नेटवर्क इंड पे दोनों को मिला दें तो टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक है टीसीपी आईपी बहुत बढ़िया शाबाश लिखो 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 शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म आता है इसका सवा� 벤, सवा, सवाश, सवाश। प्रोटोकॉल को टीसीपी आईपी के नाम से जाना जाता है टीसीपी आईपी के नाम से जाना जाता है अब ट्रांसफर प्रोटोकॉल अब देखो भैया प्रोटोकॉल क्या होता है क्वेश्चन तो आता भैया प्रोटोकॉल क्या होता है कई बार बच्चों ने जो कंप्यूटर बिलोंग करते होंगे साइंस वाले उनको मालूम है प्रोटोकॉल क्या होता है प्रोटोकॉल मतलब होता है नियमों का नियमों का समूह नियमों का समूह क्या होता है नियमों का समूह मैंने इसे बोलते सेट ऑफ रूल्स रूल्स देखो प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है जैसे आप स्कूल जाते हो कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में कॉलेज के नियमों के अनुसार ठीक है नियमों का समूह अब क्या होता है जैसे आप कॉलेज जाओ तो कॉलेज के रूल के हिसाब से चलना पड़ता है घर में तो घर जैसे रहोगे खेल करोगे तो खेल के रूल तो हर जगह के जो रूल होते हैं तो इंटरनेट के भी कुछ रूल्स हैं उसे एक कंपनी है मैं आप बताता हूं अभी नियमों का समूह बोलते हैं उसको प्रोटोकॉल तो टीसीपी आईपी की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करेंगे इंटरनेट और टीसीपी की बात करेंगे किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं उन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं टीसीपी टीसीपी प्रोटोकॉल आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है बेटा एक बार और शेयर कर दो लाइक दो बोल रहे हैं 1990 में अर्पानेट को समाप्त कर दिया गया था तथा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क के रूप में इंटरनेट बना रहा अब अर्पानेट को समाप्त करके जब नेटवर्क 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 बहुत सारे नेटवर्क जुड़ गए तो वो इंटरनेट बन गया बहुत अच्छे शाबाश शानदार एक नंबर इंटरनेट कब शुरू हुआ तो इंटरनेट की शुरुआत जनवरी उन्नीस में हुई जब अर्पानेट को टीसीपी को अडॉप्ट कर लिया था तो देखो भैया ये बड़ा काम है ये बड़ा पॉइंट है देखो इसको इंटरनेट कब शुरू हुआ तो इंटरनेट की शुरुआत जनवरी उन्नीस से मानी जाती है जब अर्परनेट को टीसीपी आई ने अडॉप्ट कर लिया इसके पहले नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट की भी चुकी थी लेकिन वास्तविक इंटरनेट की बात करें तो एक जनवरी उन्नीस को यह मानी जाती है ठीक है शाबाश एक तरफा और इसके बाद रिसर्चर्स ने शुरू किया उन्हें असेंबल करने का काम और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इसे कहा जाता था यानी कि नेटवर्क का नेटवर्क अब क्या हुआ समझो बात को नेटवर्क नेटवर्क का मतलब क्या होता है एक नेटवर्क यानी कि हो हो या कुछ भी हो, एक नेटवर्क होगा ऐसे ही एक और नेटवर्क 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 होगा होगा ऐसे ही एक और इन का, एक और इन का, इन इन का 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 आपस में जो कनेक्शन होता है इसे क्या बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्या बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क अब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे नेटवर्कों का आपस में क्या हो गया कनेक्शन हो गया वो बाद में मॉडर्न अच्छा देखो तो, जो मॉडर्न इंटरनेट की बात करें मॉडर्न इंटरनेट की बात करें तो मॉडर्न के समय इंटरनेट के नाम से इसे जाना जाता है नए मॉडर्न को इंटरनेट के समय के नाम से जाना जाता है बहुत बढ़िया अब देखो डेट्स हो गई नेटवर्क को असेंबल करना शुरू कर दिया यानी बहुत सारे नेटवर्क और नेटवर्क को शुरू कर दिया असेंबल करने का काम ठीक का, है भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ भारत में इंटरनेट सर्विस को पब्लिकली अवेलेबल कराया गया था भारत में इंटरनेट सर्विस को पब्लिकली अवेलेबल कराया गया था। अगस्त उन्नीस अगस्त पंचानवे में इसे स्टेट ओन्ड विदेश संचार निगम लिमिटेड और इसका शॉर्ट फॉर्म है वी एस तो पहली बार भारत में पहली बार भारत में इंटरनेट को इंट्रोड्यूस कराने वाली जो कंपनी थी उसे बोलते हैं वी एस एन एल लिखो इनका नाम लिखो 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 काम आएंगे बीजेपी बीजेपी ने वेबसाइट थी थी क्यों? पहले पार्टी जिसकी थी, वो बीजेपी है। इंटरनेट को असल में ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क के रूप में जाना जाता है दुनिया भर में कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता है और बहुत से हाई बैंडविथ डेटा लाइंस को क्या करता है इंटरनेट की बैकबोन अब देखो क्या होता है ये हाई बैंडविड्थ डेटा लाइन एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर में एक पीसी है ये पीसी आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है ये कोई आके आपके घर में मोडेम में एक वायर लगा के चला जाता है 100 एम बी पी एस दो सौ एमबीपीएस यही चल रहा है अभी स्पीड आसपास ठीक है अब ये कहीं ना कहीं एक इंटरनेट का आई एस पी सॉरी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि इंटरनेट इंटरनेट को बेचते हैं जैसे कि एयरटेल जियो वोडाफोन बदल गया आज का नाम। बी एस एन एल तो ये जो है आई एस पी होते हैं ये क्या करते हैं एक लाइन डालते हैं जो कि 100-200 एमबीपीएस की होती है लेकिन इनके पास दूसरी शहर से या कंट्री से आने वाली एक हाई स्पीड लाइन होती है जो कई जीबीपीएस में भी हो सकती है उसे हम इंटरनेट की क्या बोलते हैं बैकबोन कहते हैं तो हाई स्पीड डेटा लाइंस को क्या बोलते हैं बैकबोन्स कहते हैं जो बाहर से आती है अब ये बाहर से आने वाली लाइन्स को मेजर इंटरनेट हब्स के माध्यम से इसको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है ठीक है अब इंटरनेट की अगर हम बात करें तो हमारे यहां पर कोई जब हमारा कंप्यूटर है खुद का पर्सनल कंप्यूटर जैसे पीसी बोलते हैं ये किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होगा और नेटवर्क से कनेक्टेड होगा और क्या करेगा ये वेबसाइट को हम एक्सेस करेंगे क्या करेंगे यही जो काम करेंगे इंटरनेट चला रहे हैं मतलब वेबसाइट चला रहे हैं। जब वेबसाइट चलाते हैं तो इंटरनेट पर रिक्वेस्ट जाती है नेटवर्क पर रिक्वेस्ट जाती है और वो रिक्वेस्ट उस पेज की रिक्वेस्ट किसी ना किसी एक ऐसे सिस्टम से जिसे क्या बोलते हैं सर्वर क्या बोलते हैं सर्वर वहां से वो रिक्वेस्ट फुलफिल होती है एग्जांपल आप गूगल डॉट कॉम टाइप करते हो तो जो गूगल का पेज है जो गूगल का पेज है वो क्या करता है यहाँ से खुल के हमारे स्क्रीन पे जब दिखता है तो गूगल का पेज रखा सर्वर पर रहता है बट वो आता हमारे सिस्टम पर है कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है जब हम इंटरनेट पर कोई चीज़ एक्सेस करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स कहाँ से मिलता है तो किसी ना किसी सर्वर से मिलता है सर्वर और पीसी, ठीक है तो सर्वर किसे कहते हैं वह है कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क के स्रोतों जैसे कि प्रोग्राम डेटा को व्यवस्थित करके केंद्रीय एरिया उपलब्ध कराता है, है। सर्वर कहलाता है। वह है कंप्यूटर जो स्टोरेज एरिया तक एक्सचेंज एक्सेस करता है प्रोग्राम डेटा लेना चाहता है वो क्लाइंट कहलाता है अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया आपने सिस्टम पे कोई टाइप करके गूगल की वेबसाइट मंगवाई तो आप क्या हो क्लाइंट हो और जो डेटा भेज रहा है या डेटा जहां से आ रहा है उसे क्या बोलते हैं स्टोरेज सर्वर कहते हैं बस लिख लिया लिख लिया बहुत बढ़िया शाबाश ये रहा क्लाइंट इंटरनेट पर एक क्लाइंट जो कई सारे सर्वरों की फाइलों और प्रोग्रामों तक एक्सेस करता है उसे होस्ट पब्लिशर या होस्ट कंप्यूटर कहते हैं और आपका कंप्यूटर भी होस्ट ही कहलाता है विमल जी एकदम बढ़िया आवाज आ रही है यार लेन वन लेन टू लेन थ्री अब हम बात करते हैं टॉप लेवल डोमेनिक किलर है आवाज सब तो किलर बोल रहे हैं पोस्टल सिस्टम की तरह ही इंटरनेट सिस्टम भी डेटा को किसी खास जगह भेजने के लिए एड्रेसिंग सिस्टम का उपयोग करता है इंटरनेट एड्रेस क्या है इंटरनेट एड्रेस क्या है जैसे कि आप अपने घर पे मंगवाते होंगे लेटर कहीं भेजना हो आपको तो आपको उसके घर का एड्रेस जैसे कि 115/4 नेहरू नगर पाटनीपुरा इंदौर मान लो कि आपका एड्रेस हो गया अब आपको लेटर भेजना है तो वो क्या करेगा सबसे पहले क्या देखेगा इंदौर देखेगा इंदौर शहर आएगा पहले तो फिर इंदौर शहर से एमपी अगर लगा लो आप एमपी अगर आपको कहीं बाहर दिल्ली से लेटर आ रहा है तो पहले वो क्या देखेगा एमपी तो भोपाल आएगा भोपाल से कहा जाएगा वो इंदौर फिर इंदौर से कहा जाएगा नेहरू नगर नेहरू नगर में कहा जाएगा गली नंबर चार में जाएगा मकान नंबर एक में जाएगा तो ये जिस प्रकार से एड्रेस को रिकॉर्ड किया जाता है वैसे ही किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है उस एड्रेस को बाद में देखा जाए वास्तव में तो वो आईपी एड्रेस है क्या है आईपी एड्रेस है तो पोस्टल सिस्टम की तरह इंटरनेट में भी ये खास एड्रेस होता है हैं आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल की स्टैंडर्ड आईपी सिस्टम होता है जैसे कि अगर बात करूं मैं दो या टू ट्वेंटी थ्री डॉट वन डॉट वन डॉट टू एक्चुअल में आईपी एड्रेस एट बिट इन फोर यानी कि आठ चौक बत्तीस बत्तीस बिट का अभी स्टैंडर्ड होता था अब आजकल वो बड़े ज्यादा का हो गया है बिट बिट का आने लगा आजकल बट फील्ड फील्ड होती थी एक में यानी कि वन, 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 करके में आईपी एड्रेस बना रहता था, था पहले आजकल तो बिट का हो गया ठीक है नंबरों के चार समूह दिखाई दे रहा है अब का जीरो जीरो का मतलब क्या है? है। बार बार ऐसे आप चाहो तो, तो आईपी एड्रेस सर्च करके कंप्यूटर पे अपने एड्रेस के बारे में जानकारी भी ले सकते हो आईपी एड्रेस नंबरों के चार समूह में होता है और एक दूसरे के डॉट द्वारा अलग होते हैं नंबर जीरो से लेकर दो तक हो सकते हैं अगर सारी बिट आठ बिट वन 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 वन, 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 वन एक दो तीन चार पांच छह सात आठ इसका मान निकालोगे तो कितना आएगा दो सौ पचपन सारे जीरो कर दो तो क्या हो जाएगा जीरो 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 तो जीरो से लेकर दो सौ पचपन तक इसकी वैल्यू हो सकती है अभी आप लिख लीजिए चलिए उदाहरण के लिए ये आईपी एड्रेस है आमतौर पर आईपी एड्रेस का पहला हिस्सा नेटवर्क को पहचानता है और आखिरी हिस्सा कंप्यूटर विशेष को इसको।, इसको भी मैं समझाई देता हूं जैसे कोई आईपी एड्रेस लिखा हुआ है 192.16.0.1 तो शुरुआत का जो हिस्सा है ये बोलते हैं सो नेटवर्क एड्रेस क्या बोलते हैं बेटा

क्योंकि इसके टाइप होते हैं एबीसीडी टाइप होते हैं और उन टाइप के हिसाब से इनकी बिट्स की रेंज जो है कम ज्यादा होती रहती है होस्ट और नेटवर्क के लिए तो ज्यादा हो जाएगा ज्यादा ऊपर से निकल जाएगा उसको छोड़ दो ज्यादा दिमाग मत लगाओ अपने काम के लिए हम मास्टरी नहीं करनी आपको ज्यादा ठीक है तो आईपी एड्रेस में कुछ पोर्सन होस्ट कुछ पोर्सन नेटवर्क का होता है चलो साहब यू आर एल ये भी एक अच्छा वर्ड है बार बार सुना होगा यू आर एल टाइप कर दो यू आर एल टाइप कर दो यू आर एल मतलब कॉम करते हैं मान लो तो किसी वेबसाइट का अद्वितीय नाम या पता जिसे इंटरनेट पर जाना जाता है उसे यू आर एल कहते हैं यू आर एल पर फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सर जी जब ब्लैक हो जाता है तो आपके पीछे ऐसा लगता है आप स्पेस में हो क्या बात कर रहे हो तो यू का फुल फॉर्म पूछ लेंगे यू आर एल क्या है जो पर टाइप करके एड्रेस ना, वो यू आर एल ही है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यह टाइप उस सर्वर या टाइप बताता है ये टाइप या सर्वर का टाइप बताता है जहां पर फाइल उपलब्ध है यानी कि हमने नाम दे दिया इंटरनेट डॉट कॉम अब इसका इससे रिलेटेड आईपी एड्रेस कहीं होगा तो ये जाके वहां सर्च करके आएगा ठीक है बहुत अच्छे यूआरएल की शुरुआत टिम्बर्स ली ने उन्नीस में की थी यह बड़ा इंपॉर्टेंट है टिम्बर्स ली को टिम्बर्स ली को वेबसाइट या वेब एड्रेस का जनक माना जाता है जाना डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब का क्या माना जाता है इस बार क्वेश्चन आया भी था पीएससी में आपको याद होगा तो ये डॉट कॉम डोमेन नेम से क्वेश्चन आया था इस बार भी आ सकता है ध्यान समझना बेटा टिम्बर्सली ने क्या किया था उन्नीस में डब्ल्यू डॉट वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत की थी यूआरएल के तीन हिस्से होते हैं एक तो होता है कि किस प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसको बोलते हैं एचटीटीपी। एक होता है डोमेन नेम यानी उसका नाम और एक होता है डॉट कॉम के बाद उसका एक्सटेंशन क्या बोलते हैं उसको एक्सटेंशन लिख लो भाई लिख लो काम आएंगे ये एक्टरपी पहला भाग हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है जिसकी मदद से इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर होता है कभी कभी HTTP, S भी लिखा मिल जाएगा आपको जनरली एस मिलेगा आपको बैंकिंग की साइट में हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर एस मतलब सिक्योर तो एच टी टीपी के बाद डबल कॉलन आएगा उसके बाद डबल सिलेस आएगा तो ये इसका फॉर्मेटिंग ही होती है ऐसी होगी एस टी टीपी डबल कॉलन स्लैश उसके बाद डब्ल्यू 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 डॉट के बाद आता है डोमेन का नाम तो डोमेन नेम की बात करें जो कि पर्टिकुलर वेबसाइट का पता है एड्रेस होता है नाम गूगल है याहू है कुछ भी है उसे बोलते हैं डोमेन नेम आपकी वेबसाइट डोमेन नेम क्या है तो बोलेंगे अनएकेडमी डॉट डॉट कॉम कॉम क्या है ये एक्सटेंशन होता है जो ये दर्शाता है कि साइट किस प्रकार की है अब क्वेश्चन तो यहां से भी आते हैं कि एक्सटेंशन कितने टाइप के होते हैं तो कई टाइप के होते हैं बहुत मतलब अभी तो अभी तो आजकल पर्सनल उनके भी वो दे दिए हैं आ, वो दे दिए हैं चेयर नाम जैसे कि अगर बात करें सुभांगी तो इंडिया डॉट लो भाई बट महंगा पड़ता है थोड़ा सा बट जनरली जो कॉमन है कुछ कॉमन का नाम बता देता हूं जैसे कि सबसे पहले तो होता है डॉट कॉम कमर्शियल मतलब व्यावसायिक डॉट ईडीयू ईडीयू का मतलब एजुकेशनल डॉट नेट डॉट नेट नेटवर्क डॉट जी डॉट इन डॉट गवर्नमेंट डॉट इंडिया डॉट इन डॉट यूएस डॉट कहीं और ले लो यार आर एस वाइज भी मिलते हैं एक्सटेंशन तो ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन मिलते हैं ठीक है डॉट ओ आरजी यह भी बहुत कॉमन है डॉटर जी तो ऐसे क्या होते हैं ये एक्सटेंशन यार हमको मिलते रहते हैं अब कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि इंटरनेट पर पूरी वेबसाइट का एड्रेस तीन टुकड़ों में बड़ा होता है और तीन टुकड़ों को एक्सेस करने का भी एक वो होता है पैटर्न पैटर्न समझाता हूं कि अगर हमने लिखा है डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम तो सबसे पहले डॉट कॉम को क्या करेंगे ये डिकोड करेंगे उसके बाद इसका एड्रेस डिकोड करेंगे उसके बाद ये देखेंगे कि एच टी टी पी है एस टी टी पी एस है ठीक है बॉयज एनगल से एक और बढ़िया एक खुशखबरी आपके लिए है कि अनकेडमी पर हमारी डेली फ्री क्लास होती है और यूनिट नाइन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करवाने वाले हैं तो अन अकेडमी पर अभी हमारी आठ बज के दस मिनट पर रहेगी क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी हुई है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दी हुई है इस लिंक की अगर बात करें तो इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे स्पेशल क्लास में पहुंच सकते हो वहां पर बहुत ही तैयारी बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हो ठीक है तो www.google.com की बात करें तो क्या हुआ अब आप देख सकते हो यहाँ पर कहा चला गया भाई ये रहा ये दिख रहा है डोमेन और प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल कौन से प्रोटोकॉल पे है? तो इंटरनेट की हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जैसे कि हमने गूगल डॉट कॉम टाइप करते हैं याद नहीं रख सकते लेकिन उस गूगल डॉट कॉम का एक एड्रेस होगा उस एड्रेस तक जाने के लिए जैसे ने ये टाइप किया इसका एड्रेस मान लो सपोज ये तो किसी भी ब्राउजर में वेबसाइट का यूआरएल टाइप करते ही हमारा ब्राउजर डीएनएस की मदद से डीएनएस मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर क्या बोलते हैं बेटा डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम की मदद से आईपी एड्रेस में बदल लेगा और डायरेक्टली वो यहां पहुंच जाएगा हमको ये आईपी एड्रेस याद नहीं करना सोचो अगर हमारे पास ये नाम ना होते तो हमको सबके आईपी एड्रेस याद करने पड़ते

आठ बज के दस मिनट पर कितने आठ बज के दस मिनट पर स्पेशल क्लास है उसको आपको ज्वाइन करना है ये ये अपन शेयर कर दिया आपको अभी इस वो लिंक आला की लेट्स का कैंप एग्जाम के माध्यम से आपको एक लिंक आई हुई है उस लिंक पर आपको डायरेक्ट पहुंचना है ठीक है चलिए साहब इसके बाद हम बात करते हैं शुरुआत में डायरेक्ट आईपी से ही किसी वेबसाइट को एक्सेस किया जाता था लेकिन यह एक बहुत कठिन तरीका था क्या था बहुत ही कठिन तरीका था फिर हम क्या करने लगे फिर हम क्या करने लगे शुरुआत में डायरेक्ट आईपी से ही किसी वेबसाइट को एक्सेस किया जाता था लेकिन यह एक बहुत कठिन तरीका था क्योंकि इतने लंबे नंबर को तो कोई याद नहीं रख सकता था इसलिए हमने डीएनएस बनाया डोमेन नेम सिस्टम बनाया जिसके माध्यम से हम मेड्रेस याद रखते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है बहुत अच्छे तो इंटरनेट भैया इंटरनेट जो है हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं चिंता मत करो देखो कितने सारे हैं लिखो फोटो खींच लो इसकी तो फोटो खींच लो ये कुछ इंपॉर्टेंट है सारे चलिए इंटरनेट के लिए जरूरी डिवाइस कौन कौन सी है क्या बोलते हो साहब इंटरनेट हमको चलाना भी आता है इंटरनेट हम चलाते भी हैं लेकिन इंटरनेट चलाने के लिए कौन कौन सी चीज मोबाइल बस ले आते हैं लेकिन अगर सिस्टम पे चलाना हो या मोबाइल पे चलाना हो तो हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है क्या अगर हम पीसी की बात करें तो हमारे पास होना चाहिए मोडम ये मोडम करता क्या है मॉडेम करता है मॉड्यूलेशन और डी मॉडुलेशन मतलब कि एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में होता क्या है कि पारंपरिक तरीके इंटरनेट सुविधा प्राप्त करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है कंप्यूटर डिजिटल संकेत उत्पन्न करता है जबकि संचार माध्यम काय में होता है एनालॉग में कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर तो डिजिटल चलता है लेकिन जो सिग्नल जाते हैं वो कायम है जाते हैं एनालॉग में जाते हैं तो और आएंगे तो एनालॉग में आएंगे तो ये क्या करता है इसको चाहिए डिजिटल इसको चाहिए एनालॉग

आवाज के संचार के लिए वॉइस के संचार के लिए वॉइस को भेजने के लिए उपयोग होता है वीडियो एवं डेटा को भी डिजिटल लाइनों द्वारा 60 uh, किलोबिट्स प्रति सेकंड की दर से संप्रेषित हालांकि आई एस लाइन को बदल के बहुत सारी ब्रॉडबैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है अब तो कंप्यूटर वाईफाई होने लगा है टेलीफोन कंपनियां आमतौर पर सिक्सटी फोर चैनल का दो तरफा, तरफा मतलब होता है न, फुल डुप्लेक्स बातचीत के लिए उपलब्ध कराती है हालांकि अभी बदल गई है अब मैं आपको बता दूं, यहां पर जो चैनल होता है या जो माध्यम होता है माध्यम होता है यह आपका तीन प्रकार का होता है तीन प्रकार का होता है एक होता है आपका सिंप्लेक्स एक होता है आपका सिंप्लेक्स एक होता है हाफ ड्यूप्लेक्स और एक एक होता है आपका क्या सिंप्लेक्स एक होता है हाफ डुप्लेक्स और एक होता है आपका फुल डुप्लेक्स सिंप्लेक्स मतलब होता है कि एक तरफ से ही आपका डेटा जाएगा दूसरी तरफ से नहीं आएगा जैसे कि टेलीफोन टेलीफोन क्या वो टेलीविजन आप बस टेलीविजन देख ही सकते हो बस आपने से कुछ नहीं सकते। दूसरा होता है, हाफ डुप्लेक्स, जैसे कि आउट अब तुम बोलो तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है एक तरफ से आवाज जाएगी दूसरी तरफ से नहीं आएगी और अगर दूसरी तरफ से आएगी तो उसको बंद करके या तो ये चलेगा या फिर यह चलेगा तो हाँ अल्फावीटा गामा हेलो 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 हाँ, बोलो तो बोले ओवर एंड आउट अब तुम ओवर ओवर का मतलब तुम बोलो हाँ कहाँ पहुंच गया हाँ, गया। अब तुम बोलो। वो बोलेगा, हाँ मैं पहुंच गया हूँ तो, तो आपस में बात करते रहेंगे ओवर एंड आउट खत्म ठीक है समाप्त बाय बाय टाटा ठीक है तो ये हाफ डुप्लेक्स जो होता है ये क्या होता है एक तरफा यहाँ चलेगा या यहाँ चलेगा लेकिन फुल डुप्लेक्स जो होता है दोनों तरफा यहां से फोन लगाया क्या हो रहा है अच्छा खाना बन रहा है हाँ तो उधर से भी आवाज है। दोनों साथ में बोल रहा है और दोनों साथ में बोल तो भी चल जाएगा आ, खाना बन गया है। चलो ठीक है बढ़िया तो बस बस अब अब ठीक है अब बस हो जाओ अब पानी जाओ पानी भरने आ और क्या नला गए ठीक है सो ऐसी बातें करते फुल डुप्लेक्स में होता है कि जैसे मोबाइल की बात करें वन कनेक्टन ऐसा कनेक्शन जिसमें दोनों साइड से कम्युनिकेशन एक साथ हो सकता है उसे बोलते हैं फुल डुप्लेक्स चैनल ठीक है बेटा तो ये चैनल जो है तीन प्रकार के होते हैं दो तरफा आवाज ये दो तरफा मतलब होता है फुल डुप्लेक्स ठीक है तो चलिए भैया अब हमारी हवेली की क्लास यानी कि अनकेडमी की क्लास का टाइम हो चुका है अब आपको करना क्या है कि अपने को पहुंचना है कहाँ अनकेडमी पर अनकेडमी पर मेरे नाम नाम सर्च करिए वहाँ पर फ्री क्लास स्पेशल क्लास के रूप में मिलेगी इसी के हम क्वेश्चन कराएंगे और अभी आपके सामने स्पेशल क्लास की लिंक भी कमेंट बॉक्स में देखो ते ऑनलाइन ऊपर दिख रही है डायरेक्ट पहुंचो हवेली पर आओ मजा आएगा बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे बट जब वो बच्चे नए हैं वो कोड डिटेल लाइव लगाएंगे इस बात का ध्यान रखें जय हिंद जय जै भारत चलो मिलते हैं हवेली पर